गुड आफ्टरनून। हम लोग जीपीसीआर सिग्नलिंग के बारे में कल डिस्कशन कर रहे थे, उससे पहले मैंने आपको बायो सिग्नलिंग क्या है या सेल सिग्नलिंग किसे कहते हैं, सिग्नल कौन कैरी करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, हार्मोन्स क्या हैं, उनके केमिकल नेचर्स क्या हो सकते हैं और उन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स की लोकेशंस हमारी सेल में क्या हो सकती हैं और भी कई सारी चीजों को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्कस किया। लास्ट में मैंने आपको बताया सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, या हम ये कहें सेल सरफेस सिग्नलिंग रिसेप्टर्स तीन मेन क्लासेस से आते हैं। एक को हम लोगों ने नाम दिया GPCR, सेकेंड इज एंजाइम लिंक्ड या जिनको हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी कहते हैं, और भी हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, और इसके बाद आयन चैनल्स के बारे में, तीसरा ग्रुप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स हैं वो आयन चैनल्स हो सकते हैं, वो चैनल बेसिकली हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई हार्मोन बाइंड करता है, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो वो ओपन और क्लोज होते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग एक्शन पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं, और इन चैनल्स को जो हम लोग चैनल्स की स्टडी करते हैं तो लिगांड गेटेड चैनल्स कहते हैं, चैनल्स दैट ओपन इन रिस्पॉन्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। तो उस केमिकल कंपाउंड को हम लोग कभी न्यूरोलॉजी में जब आते हैं तो उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, जैसे एसिटाइल कोलीन चैनल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग के लिए जब हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं वो क्या है, सेल सिग्नलिंग क्या है, उसमें भी मैंने टाइप्स भी आपको बता दी, ऑटोक्राइन, इंडोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग किसे कहते हैं और सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनके रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिग्नलिंग रिसेप्टर्स को तीन ग्रुप में डिवाइड कर लिया, उनके नाम भी स्टडी कर लिए, और मैंने आपको जीपीसीआर के बारे में कुछ बेसिक्स भी बता दिया था पिछली क्लास में, लेकिन कल लास्ट में मैं उसको बता रहा था। तो हम लोग जीपीसीआर सिग्नलिंग मॉड्यूल्स को पढ़ने वाले हैं, जीपीसीआर क्या है और ये सिग्नलिंग मॉड्यूल कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, और देन इसके बाद मैं आपको कुछ हार्मोन्स की सिग्नलिंग भी इसके बेस पर पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि जीपीसीआर सिस्टम क्या है, ये सिग्नलिंग मॉड्यूल क्या है, और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फेज पर किसी सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है तो किस तरीके से ये पूरे सिग्नल को कन्वे करता है सेल के अंदर, हम लोग इस कॉन्सेप्ट की स्टडी करने बढ़ रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में कि जीपीसीआर क्या है और कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक होगा बेसिकली वो ये समझाने पर बेस्ड है कि जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। और जब आप जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम के काम करने के तरीके को समझ लेंगे तो कोई भी जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम क्यों ना हो, सभी के काम करने का तरीका मोर और लेस सेम है, बस अलग अलग हार्मोन में उन रिसेप्टर्स, उनके इफेक्टर एंजाइम या जी प्रोटीन्स के नाम बदलते हैं, बाकी काम करने का तरीका सभी का सेम है। तो और जैसा मैंने कल आपको बताया भी कि हमारे सिस्टम में, आज भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोगों का देखना है, विजन, हम लोग किसी स्मेल को सूंघना है या टेस्ट है, स्वाद है, ये हमारे न्यूरोसेंसरी सिस्टम है जो इन चीजों को सेंस करते हैं, उनकी सिग्नलिंग भी जीपीसीआर पर ही बेस्ड है। तो जैसे देखना है आप समझ सकते हैं, या फिर किसी चीज को सूंघना, स्मेल क्या है। तो जब यदि मैं आपको ये पढ़ा दूंगा जीपीसीआर सिस्टम ऐसे काम करता है तो भले आप इनकी सिग्नलिंग के बारे में ना पढ़ें लेकिन फिर भी आपको आइडिया होगा कि ये सिग्नलिंग कैसे कन्वे होती है, सिग्नल्स कैसे कन्वे होते हैं। और स्पेशली मैं आपको लास्ट में आकर के विजुअल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, सीएसआईआर में तो विजुअल सिग्नलिंग बहुत पूछा गया है। तो विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है, हमारी रॉड एंड कॉन सेल्स पर
कैसे सिग्नल कन्वे होता है, कैसे लाइट को कन्वर्ट कर लिया जाता है एक्शन पोटेंशियल में, अर्थात इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। कल मैंने आपको कहा कि जरा इसको रिवर्स करके पढ़े, तो रिवर्स ठीक है करेंगे तो कपल्ड रिसेप्टर्स कपल्ड विथ जी प्रोटीन। यदि हम लोग रिवर्स करके पढ़ेंगे तो रिसेप्टर्स कपल्ड विथ जी प्रोटीन, अर्थात हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स जो जी प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं और जी प्रोटीन उनके सिग्नल को आगे कन्वे करेंगे, उनको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स अर्थात जीपीसीआरस आर इंटेग्रल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रोटीन कपल्ड टू एन इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आप कह सकते हैं, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही मिलते हैं। कपल्ड विथ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं। जी प्रोटीन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसी प्रोटीन जो जीटीपी जीडीपी बाउंड स्टेट में स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं, ऐसी प्रोटीन जिनकी एक्टिविटी को ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड बाइंड करके रेगुलेट करता, उनको हम जी प्रोटीन्स कहते हैं। दैट ट्रांसमिट सिग्नल, जी प्रोटीन्स एसोसिएटेड है रिसेप्टर से जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, सेल के अंदर, सो नेम जीपीसीआर। हम इनको जीपीसीआर नाम इस वजह से देते हैं क्योंकि इन रिसेप्टर्स के साइटोसोलिक फेज पर जी प्रोटीन जुड़ी हुई है और वो प्रोटीन इन रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन के बाद सिग्नल को सेल के अंदर पहुंचाती है। आपको यह ध्यान रखना है, जीपीसीआरस इनिशियली इंड्यूस शॉर्ट टर्म चेंज इन सेल फंक्शन। मैं एक पॉइंट यहां पर आपको और क्लियर कर दूं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स रैपिडली रिस्पॉन्स करते हैं, अर्थात बहुत तेजी से, जैसे ही एक्सटर्नल सिग्नल आया वैसे ही ये तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं। सेल की फिजियोलॉजी में बड़ी तेजी से चेंज आता है, इसे हम शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। और ये इस वजह से आता है क्योंकि इन रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने से जो प्री एग्जिस्टिंग हमारी प्रोटीन्स है, हमारे एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिविटी में तेजी से चेंज आना शुरू होता है, तो हमारी फिजियोलॉजी में भी चेंज होता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है, जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम सिग्नल्स को डीएनए तक ले जाते हैं, अर्थात जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न को भी चेंज करते हैं। आगे मैं जब उदाहरण दे करके आपको समझाऊंगा तो वहां पर इस पॉइंट को भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिग्नल्स न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं और जीन एक्सप्रेशन में भी चेंज शुरू होता है। तो उसे लॉन्ग टर्म क्यों कह रहे हैं, जब न्यूक्लियस में सिग्नल जाएगा तो जीन एक्सप्रेशन शुरू होगा, उनके एमआरएनएस बनेंगे, प्रोसेस होंगे, साइटोसोल में आएंगे, प्रोटीन बनेगी, देन फंक्शन शुरू होगा। तो शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया जो प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन थी वो काम करना शुरू कर दिया, सेल की फिजियोलॉजी में उन्होंने चेंज ला दिया तुरंत। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि थोड़ी देर बाद वो रिस्पॉन्स आने वाला है, तो दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस को मीडिएट करते हैं। तो जीपीसीआर इनिशियली मतलब शुरुआती तौर पर देखें इंड्यूस शॉर्ट टर्म चेंज इन सेल फंक्शन सच एज चेंज इन मेटाबॉलिज्म और मूवमेंट बाय क्विकली चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स पहले से एग्जिस्ट कर रही। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि हमारे ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करा दिया, पहले से प्रेजेंट थे और ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स को क्या किया, एक्टिवेट करा दिया, तो ग्लाइकोलिसिस शुरू हो गई। तो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हमारी सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उदाहरण के तौर पर आप समझिए, लेकिन वो अभी ऐसी कंफर्मेशन में है जो एक्टिव नहीं है। जैसे ही जीपीसीआर सिग्नल शुरू होता है उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट करते ही ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई, तो तुरंत शुरू हो गई क्योंकि ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। और माना कि ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और सेल के अंदर ग्लूकोज कम है तो और ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो सेल को क्या बनाना होगा, ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए आपको पता है ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस एक अलग प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस अलग प्रोसेस है। भले ही ग्लाइकोलिसिस के 7 एंजाइम्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन 4 यूनिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए।
तो उन एंजाइम्स को बनाना होगा और देन ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू करनी होगी, तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा बाई। बट मैनी ऑफ दीज सिग्नल्स, यदि हम बात करें, बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे हो सकते हैं, ट्रांसडक्शन पाथवेज ऑल्सो लीड टू चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। कई बार जीपीसीआर सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो एक शॉर्ट टर्म चेंज आता है प्रोटीन के एक्टिवेशन से, लेकिन बहुत सारे सिग्नल्स में देखा गया है ये जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न को भी चेंज करता है। दोनों केसेस को हम लोग इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग में रखेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं, आप उन पॉइंट को भी समझ लें। जीपीसीआर इज ए लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स, जो हमारे सिग्नलिंग रिसेप्टर्स हैं उनकी सबसे बड़ी फैमिली है। जीपीसीआर सभी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। और सभी जीपीसीआर सिस्टम मॉड्यूल्स को हम लोग देखें तो इनका सिग्नलिंग मॉड्यूल लगभग सिमिलर होता है, बस मैंने कहा कि अलग अलग सिग्नलिंग में इनके नाम बदलेंगे, बाकी सिग्नलिंग मॉड्यूल सभी का सेम होता है। इन मैमल्स जीपीसीआरस आर आल्सो मीडिएट सिग्नलिंग ऑफ स्मेल टेस्ट एंड विजन। आप समझ सकते हैं ये हमारे न्यूरॉन बेस्ड फंक्शन है, लेकिन इन न्यूरॉन्स में भी इन सिग्नल्स को कन्वे करते हैं जीपीसीआरस अर्थात जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है एक स्टूडेंट के लिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जीपीसीआर सिस्टम कितने कंपोनेंट का बना है और वो काम कैसे करते हैं। यहां काम करने का मतलब है वो सिग्नल्स को कैसे कन्वे करते हैं, एक बाहर मैसेंजर आकर के बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, और कैसे उस मैसेंजर के बाइंड होने से सेल के अंदर चेंज आना शुरू होगा। तो इस पूरे पाथवे को देखें, रिसेप्टर पर बाहर मैसेंजर बाइंड हुआ और चेंज सेल के अंदर आना शुरू हुआ, तो ये पूरा जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन और इंटरनल रीजन तक जो चेंजेस के स्टेप्स हैं, सीक्वेंसेस हैं जिनमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं या सिग्नल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम उस पूरे सिग्नलिंग कैस्केड को सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो जीपीसीआर में जब हम आते हैं तो जीपीसीआर सिस्टम कितने कंपोनेंट का बना है और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि जानेंगे भी कि कैसे काम करता है, और बेहद आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जीपीसीआर सिग्नलिंग मॉड्यूल तीन इसेंशियल कंपोनेंट का बना होता है, मैं यहां पर लिख सकता हूं All GPCR signaling modules consist of three components, तीन components के बने होते हैं, three components। आपको ध्यान रखना है जितने भी जीपीसीआर सिग्नलिंग मॉड्यूल्स हैं वो तीन कंपोनेंट के बने होते हैं, और वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं पहले तो आप उसे समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें जहां तक है यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीपीसीआर सिग्नलिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, ऑल जीपीसीआर सिग्नलिंग मॉड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रोटीन्स, तीन प्रोटीन्स के बने होते हैं। पहला रिसेप्टर, ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। सेकेंड इज जी प्रोटीन एंड थर्ड इज इफेक्टर प्रोटीन। जीपीसीआर सिग्नलिंग मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, वन इज ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, सेकेंड इज जी प्रोटीन एंड थर्ड इज इफेक्टर प्रोटीन। जी प्रोटीन यहां पर मैंने इन दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है जिससे आप समझ लें कि इनके लोकेशंस क्या हैं, आगे इनके बारे में, इनके एसोसिएशन के बारे में, इनके एक्टिवेशन के तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो रिसेप्टर है वो ट्रांसमेम्ब्रेन है, जी प्रोटीन अर्थात जिसके साथ जीडीपी या जीटीपी न्यूक्लियोटाइड बाइंड होगा, यदि हम उस प्रोटीन की बात करें तो ये साइटोसोलिक फेज पर होती है, ये प्रेजेंट होती है साइटोसोलिक फेज पर, तो ये साइटोसोल है,
ये साइटोसोल है। तो साइटोसोलिक फेज पर जी प्रोटीन है और जी प्रोटीन एक लिपिड एंकर के द्वारा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। हम लोग लिपिड एंकर्ड प्रोटीन पढ़ चुके हैं किस तरह से एक लिपिड एंकर प्रोटीन को मेम्ब्रेन के साथ लिंक करता है। एंड थर्ड कंपोनेंट इज इफेक्टर प्रोटीन, वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और मेम्ब्रेन में इंबेडेड है। तो कितने कंपोनेंट का बना है? तीन कंपोनेंट, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, जी प्रोटीन एंड थर्ड इज इफेक्टर प्रोटीन। तीनों का रिलेशन हमारी मेम्ब्रेन से है। यदि हम रिसेप्टर की बात करेंगे तो रिसेप्टर का फंक्शन क्या हो सकता है? आप समझ सकते हैं रिसेप्टर का फंक्शन होगा कि वो रिकॉग्नाइज करे एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर को। आप समझ सकते हैं रिसेप्टर का फंक्शन क्या है? रिकॉग्नाइज एंड बाइंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर के साथ बाइंड करना। ठीक है, जब ये बाइंड कर जाएगा तो इसका एक्टिवेशन होगा। बाइंड होने के बाद ये रिसेप्टर एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को, एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, और जी प्रोटीन देन इसके बाद एक्टिवेट करेगा इफेक्टर एंजाइम को, इफेक्टर प्रोटीन को, कुछ इस तरीके से। आप लोग समझ सकते हैं कि मैसेंजर आकर के बाहर बाइंड करेगा, मैसेंजर की बाइंडिंग यहां पर होगी, और जैसे ही मैसेंजर बाइंड करेगा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, और जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा इफेक्टर प्रोटीन को। अब ये कैसे एक्टिवेशन होता है, उसका मॉलिकुलर मैकेनिज्म क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इन रिसेप्टर, जी प्रोटीन और इफेक्टर एंजाइम्स के बारे में जानने चलते हैं। ये क्या है और कौन हो सकते हैं, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेप्टर को, देन जी प्रोटीन एंड देन इफेक्टर प्रोटीन। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कह दिया जीपीसीआर सिस्टम तीन एसेंशियल कंपोनेंट का बना है, रिसेप्टर, जी प्रोटीन और इफेक्टर प्रोटीन का। तो सभी जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम में रिसेप्टर्स जो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी है या वो सब अलग अलग होते हैं? जी प्रोटीन के बारे में भी हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने आपको रैन जी प्रोटीन के बारे में पढ़ाया, रैब के बारे में पढ़ाया, आप पढ़ चुके हैं रैन, पढ़ चुके हैं रैब, पढ़ चुके हैं एआरएफ, पढ़ चुके हैं आपने सार वन प्रोटीन के बारे में पढ़ा हुआ था, ये हम लोग पढ़ रहे थे वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन में। तो कई सारी जी प्रोटीन्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जी प्रोटीन जो जीपीसीआर सिस्टम का हिस्सा है, या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, या रिसेप्टर्स के साथ जो प्रोटीन जी फैमिली की कपल्ड है, जुड़ी है, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, तो उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के बारे में बताऊंगा। जितने भी जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम में रिसेप्टर्स हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, एक ही पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड मेम्ब्रेन को 7 times क्रॉस करती, 7 times क्रॉस करती है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, आप उसके बारे में भी जानते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ऑल जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स, ऑल जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, अर्थात इस फैमिली के जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। हमारे लिए भी अच्छी बात है, हमें केवल कोई ये बता दे कि ये सिग्नल, जैसे मुझे कोई उदाहरण दे दे, उदाहरण देकर के कहता है कि विजुअल सिग्नलिंग जीपीसीआर सिग्नल सिस्टम मीडिएट करते हैं, तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे लाइट का रिसेप्टर कौन होगा, 7 times। दे, अगले पॉइंट में, दे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड दैट स्पैन द मेम्ब्रेन 7 times, स्पैन द मेम्ब्रेन 7 times, सो कॉल्ड सरपेंटाइन, कभी कभी इनको सरपेंटाइन और 7 times भी कहते हैं, अर्थात 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कह देते हैं।
आपको ध्यान रखना है। तो जितने जीपीसीआर सिंगलिंग सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक ही पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करती, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम क्रॉस करती है। अब जरा देखिए इसका जो यंग टर्मिनल है ये साइटोसॉल लिखा है, ठीक है, जो यंग टर्मिनल एंड है वो बाहर होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है फेस, तो सेल के बाहर होता है और इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन सेल के अंदर होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑल जीपीसीआर रिसेप्टर्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड दैट स्पैन द मेम्ब्रेन 7 टाइम्स, एन टर्मिनल ऑफ दीज रिसेप्टर्स आर आउटसाइड द सेल व्हाइल सी टर्मिनल इनसाइड, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके सेगमेंट्स को यदि हम लोग देखेंगे तो ये आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा तो है नहीं कि कनेक्टेड नहीं है, इन कनेक्टिंग एलिमेंट्स को हम लोग लूप्स कहते हैं, जो लिंक कर रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस को, ये 7 अल्फा हेलिक्स हैं, इनको इनको कनेक्ट करने वाले जो हेलिक लूप्स हैं उनको, या ये कहें जो प्रोटीन सेगमेंट है उनको हम लूप्स कहते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि हमारी मेम्ब्रेन्स में मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स जो ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं वो अल्फा हेलिकल फॉर्म में होती हैं। द ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस कनेक्टेड बाय अल्टरनेटिंग साइटोसोलिक और एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स, जो ये है इन लूप्स के द्वारा कनेक्टेड है। यन टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन इज एक्सपोज टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड व्हाइल सी टर्मिनस रेसिड्यूज इन दी साइटोसोल, एन टर्मिनल बाहर है और सी टर्मिनल अंदर है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुके हैं। जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम में जो रिसेप्टर्स हैं जो सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं वो रिसेप्टर्स कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो ये इनका एक सिग्नेचर करेक्टर है, दे स्पैन द मेम्ब्रेन 7 टाइम, और जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग इनको 7TM भी कहते हैं। तो कई बार मैं भी ये यूज कर सकता हूं 7TM, और मैं क्या आप भी यूज करिए 7TM, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, तो आपको ध्यान रखना है ये करेक्टर है, जितने भी जीपीसीआर सिंगलिंग सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं उनका ये करेक्टर है। तो केवल मैं यहां पर सभी के लिए बता रहा हूं, केवल एक के लिए नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे करेक्टर्स को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ये सिस्टम कैसे काम करता है आप लोग वो भी समझें। देखिए ये रिसेप्टर का बाहर का पोर्शन है, सेल के बाहर का है, और रिसेप्टर का ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट 7 टाइम है, और ये इस हिस्सा इसके अंदर का है, आपको ध्यान रखना है। देखिए सिस्टम कैसे काम करता है, रिसेप्टर जैसे ही बाहर के अपने डोमेन से स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, रिसेप्टर होगा तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल को ही डिटेक्ट करता होगा, किसी पर्टिकुलर हार्मोन का ही ये रिसेप्टर होगा। तो जैसे ही वो हार्मोन आएगा इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर बाइंड होगा, डोमेन पर बाइंड होते ही इस रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज आएगा और इस चेंज के साथ ही ये जुड़ जाएगा जी प्रोटीन के साथ, किसके साथ जुड़ जाएगा जी प्रोटीन के साथ। तो मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही लाइन में कह रहा हूं, लिगांड बाइंडिंग, लिगांड अर्थात हार्मोन बाइंडिंग इंड्यूस कंफर्मेशनल चेंज इन 7TM दैट लीड्स टू देयर इंटरेक्शन विथ जी प्रोटीन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी इवेंट को, लिगांड बाइंडिंग इवेंट को ही हम लोग कहते हैं रिसेप्टर एक्टिवेशन, अर्थात जैसे ही हार्मोन बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ ये एक्टिव हो गया, एक्टिव होने का मतलब इसमें कंफर्मेशनल चेंज आया, जी प्रोटीन के साथ एसोसिएट हुआ और ये एक्टिव है। एक तो एसोसिएशन, अब इसी दूसरे पॉइंट को समझिएगा, एक्टिवेटेड रिसेप्टर
एक्ट एज ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और जी प्रोटीन जनरली जिस पर जीडीपी बाइंड रहता है उस जीडीपी को रिप्लेस करा दिया जीटीपी से, अर्थात जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो जी प्रोटीन के साथ जनरली बाइंड रहता है जीडीपी और जी प्रोटीन इनएक्टिव रहता है। तो यही रिसेप्टर जी प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है और उसके जीडीपी को रिप्लेस करा देता है जीटीपी से। जो ऐसा काम करते हैं उनको हम लोग ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड, यदि आप इनकी बात करें तो ग्वानिन के ही तो न्यूक्लियोटाइड है, चाहे जीटीपी हो या जीडीपी, केवल क्या किया एक्सचेंज करा दिया। तो जहां पर भी हमें इस तरह का फंक्शन मिलता है उनको हम लोग नाम देते हैं ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो आप जरा समझिए कैसे सिस्टम काम करता है। मैं आपको जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम के काम करने या वो किस तरह से मॉलिकुलर उसका मैकेनिज्म है सिग्नल कन्वे करने का उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो लिगांड बाइंडिंग इंड्यूस कंफर्मेशनल चेंज इन 70m दैट रिजल्ट देयर इंटरेक्शन टू इट्स इंटरेक्शन टू जी प्रोटीन एट साइटोसोलिक फेस। ठीक है, अब हम इसी पॉइंट को, क्योंकि दोनों रिलेटेड फंक्शन है, ये रिसेप्टर एक्टिवेटेड है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं लिगांड बाइंडिंग एक्टिवेट 70m, एक्टिवेटेड 70m एक्ट एज ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एंड रिप्लेस जीडीपी फ्रॉम जीटीपी ऑन एसोसिएटेड जी प्रोटीन। जैसे ही जी प्रोटीन पर जीटीपी बाइंड होता है ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, अर्थात जीटीपी बाइंडिंग कॉज एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन। तो अब जी प्रोटीन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जी प्रोटीन एक्टिवेट होकर के क्या करेगा, अभी रिसेप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्ट एज ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एंड कैटेलाइजेज एक्सचेंज ऑफ जीटीपी फ्रॉम जीडीपी ऑन अल्फा सब यूनिट ऑफ हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है जैसे ही लिगांड बाइंड हुआ रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और ये ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह वर्क करता है। तो इसको आप ओवरऑल समझिए, लिगांड बाइंडिंग अर्थात हार्मोन बाइंडिंग एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, एक्टिवेटेड रिसेप्टर एक्टिवेट जी प्रोटीन, और कैसे एक्टिवेट हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। सभी जीपीसीआर सिस्टम ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे विजुअल सिग्नलिंग में आएंगे, विजुअल सिग्नलिंग में जो हम लोग आएंगे तो विजुअल सिग्नलिंग कोई लाइट हार्मोन तो है नहीं, जब हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखों में क्या आती है, लाइट ही तो आती है, तो लाइट हार्मोन तो है नहीं, लेकिन काम इसी तरह से होगा। जैसे ही लाइट हमारे जो 70m होते हैं विजुअल सिग्नलिंग में उनको लाइट डिटेक्ट करने के लिए वहां पर 11cc रेटिनल है जो लाइट सेंसिंग कंपोनेंट है। जैसे वो लाइट सेंस करता है, लाइट सेंस करने से उसके बॉन्ड में चेंज आता है, और जैसे ही बॉन्ड में चेंज आता है 70m में चेंज आता है, 70m एक्टिवेट हो जाता है, इसी तरह से काम करता है। तो कहने का मतलब सभी 70m के काम करने का तरीका ऐसे ही है, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ये ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह वर्क करेगा और एसोसिएटेड जी प्रोटीन के जीडीपी को रिप्लेस कर देगा जीटीपी से, जिससे जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं जी प्रोटीन, ये जी प्रोटीन कौन है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट पढ़ते हैं और जब पढ़ाई करते हैं तो टीचर जब भी उन्हें पढ़ाता है तो वो भी हमेशा जी सर बोला करते, कभी नो सर नहीं बोलते, तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, ये जी प्रोटीन जी हुजूर वाली है अर्थात हमेशा यस सर बोलने वाली है, या ये जी प्रोटीन कौन है, थोड़ा उनके बारे में आप समझ लीजिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा जैसे कि प्रोटीन है, ठीक है, और इस प्रोटीन की दो कंफर्मेशन हो सकती हैं, वन इज एक्टिव एंड सेकेंड इज इनएक्टिव। इनकी एक्टिव और इनएक्टिव कंफर्मेशन को डिसाइड करता हो ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड जैसे जीटीपी या फिर जीडीपी, अर्थात ऐसी प्रोटीन्स जिनकी एक्टिविटी ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड के बाइंड होने से चेंज होती हो, उनकी एक्टिविटी को ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड रेगुलेट करता हो,
उसे हम लोग जी प्रोटीन कहते हैं। और रेगुलेट करने का मतलब है जीडीपी बाउंड स्टेट में एक दूसरी कंडीशन, जीटीपी बाउंड स्टेट में एक दूसरी कंडीशन। कई अलग अलग जगह हम लोग ऐसा कह सकते हैं, कई जगह हम लोग कहते हैं एक्टिव है, कई जगह हम लोग कहते हैं इनएक्टिव है। तो हम इस तरह के शब्द यूज करेंगे। तो ऐसी प्रोटीन्स जिनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड, उनको हम लोग नाम देते हैं जी प्रोटीन, या जी हुजूरी वाली बात नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सभी लोगों को एक पॉइंट यहां पर ध्यान देना है, हम लोग जी प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं जो जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम का हिस्सा है। वैसे हम लोग बहुत अलग अलग तरह की जी प्रोटीन्स पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर जो जी प्रोटीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम का हिस्सा है। जी प्रोटीन एक बड़ी फैमिली है, उसमें मोनोमेरिक और ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं। एक ऐसी जी प्रोटीन्स जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी हो, एक ऐसी जी प्रोटीन्स जिनमें पॉलीपेप्टाइड्स का नंबर 3 हो, 3 सब यूनिट्स मिलकर के और जी प्रोटीन बनाती हो, उन्हें हम ट्राइमेरिक कहेंगे। जैसे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम में हमेशा ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होती है। कैसी होती हैं? ट्राइमेरिक। जबकि आप लोग जो पढ़ाए हैं ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ARF SAR1, देन इसके बाद हम लोगों ने कई सारी रैब रेस, ये प्रोटीन्स हम लोग, इन तीनों को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रेस को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सभी प्रोटीन्स कैसी हैं? मोनोमेरिक हैं। ये भी जी प्रोटीन है लेकिन ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जबकि जो जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम है, मैं यहां पर दोनों में बहुत क्लियर कट अंतर के बारे में लगातार बोल रहा हूं, जो जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम है वहां पर एसोसिएटेड जी प्रोटीन ट्राइमेरिक होती है ना कि मोनोमेरिक। तो पीछे भी मैंने एक शब्द लिखा हुआ था जी प्रोटीन के बारे में ट्राइमेरिक, तो आपको अंडरस्टूड रखना है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनकी प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो जो जी प्रोटीन्स रिसेप्टर्स के साथ लिंक होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। जी प्रोटीन्स आर हेट्रोट्राइमेरिक। हेट्रो क्यों कह रहे हैं? अलग अलग है। यदि अल्फा की तीनों सब यूनिट्स होती तो हम लोग कहते हैं होमोट्राइमेरिक, लेकिन ये सब तीनों अलग अलग सब यूनिट्स हैं, इस वजह से इनको क्या कहेंगे? हेट्रोट्राइमेरिक, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ए अल्फा कमा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने अभी आपसे आपके बारे में ये इसके बारे में जी प्रोटीन्स के बारे में आपको पहले बताया कि ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है साइटोसोलिक फेस पर, ठीक है। अब आप जरा इस स्ट्रक्चर को यहां पर देखें, ये अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा है और ये गामा है। इनको इस तरह से क्यों बनाया उसका कारण भी आपको बताएंगे। तो गामा सब यूनिट को देखें तो वो मेम्ब्रेन में एक लिपिड एंकर के साथ जुड़ी है, और अल्फा सब यूनिट भी एक लिपिड एंकर के साथ कनेक्टेड है। ये एक लिपिड एंकर है, लिपिड एंकर्स। तो जी प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ 70M आर हेट्रोट्राइमेरिक, कंसिस्ट ऑफ ए अल्फा ए बीटा एंड ए गामा सब यूनिट्स। गामा एंड अल्फा सब यूनिट्स आर एंकर्ड टू मेम्ब्रेन बाय ए लिपिड एंकर, जबकि बीटा सब यूनिट के साथ कोई लिपिड एंकर जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन बीटा सब यूनिट इज टाइटली एसोसिएटेड विद गामा सब यूनिट। बीटा गामा के साथ टाइटली एसोसिएटेड होती है और कभी अलग नहीं होती है, और गामा मेम्ब्रेन में अटैच्ड है, मेम्ब्रेन से लिंक है लिपिड एंकर के द्वारा, और अल्फा भी लिंक है मेम्ब्रेन में एक लिपिड एंकर के द्वारा। यह भी करेक्टर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट यह है कि ग्वानिन की न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग, जीटीपी जीडीपी की बाइंडिंग कहां पर है? अल्फा सब यूनिट पर है, ना कि बीटा और गामा पर। तो ट्राइमेरिक के कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जी प्रोटीन के कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं।
ग्वानिन की बाइंडिंग साइट अल्फा सब यूनिट पर है, चाहे वो जीडीपी हो या जीटीपी हो, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बोथ अल्फा एंड गामा सब यूनिट्स आर लिंक्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई अ टेस लिपिड एंकर, ओनली द अल्फा सब यूनिट बाइंड्स जीडीपी और जीडीपी। तो अल्फा सब यूनिट से बाइंडिंग है ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड की। एक क्वेश्चन हो सकता है कि जीपीसीआर सिंगलिंग सिस्टम में जी प्रोटीन्स मोनोमेरिक है या ट्राइमेरिक है, तो आपका आंसर है ट्राइमेरिक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है या लिपिड एंकर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जब ये लिपिड एंकर्ड है तो इनकी कौन कौन सी सब यूनिट्स मेम्ब्रेन में लिपिड के द्वारा होल्ड है, तो आपको ध्यान रखना है गामा है और अल्फा सब यूनिट है। अगला क्वेश्चन ये है कि इन तीनों की सब यूनिट पर ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड बाइंड करते हैं या एक पर बाइंड करते हैं, तो एक पर, और वो सब यूनिट कौन है, अल्फा है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आप सभी लोगों को समझना है, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को बता रहा हूं। देखिए तीनों भी सब यूनिट्स एक साथ हैं, ये तीनों सब यूनिट्स एक साथ हैं। सब यूनिट्स ऐसा हम लोग मानते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है वो प्रूफ करते हैं कि जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये डिसअसेंबल हो जाती है, इनकी सब यूनिट्स क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। एक पॉइंट सभी लोग यहां पर ध्यान रखें, सिग्नलिंग के रिस्पेक्ट में जब हम लोग ट्राइमेरिक जी प्रोटीन को देखते हैं और वो जीडीपी बाउंड स्टेट में है तो ये इसकी इनएक्टिव कंफर्मेशन है। कैसी कंफर्मेशन है, इनएक्टिव है और ये सिग्नल ट्रांसड्यूस नहीं कर रही है, आपको ध्यान रखना है। तो जब ये जीडीपी बाउंड स्टेट में है तो ये सिग्नल को आगे कन्वे नहीं करती है, बल्कि आप इसको इनएक्टिव मानेंगे, ये भी इनएक्टिव है। ठीक है, एक करेक्टर आप लोग और ध्यान रखेंगे, जो जी प्रोटीन यहां पर है, मैं यहां पर थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, जी अल्फा, ये जी प्रोटीन है, ये इसकी अल्फा सब यूनिट है, इसी अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा जीटीपी, जीडीपी बाउंड होगा या जीटीपी बाउंड होगा। तो जरा ध्यान देंगे, यदि इसके साथ जीटीपी बाइंड है तो ये सब यूनिट अपने जीटीपी को खुद हाइड्रोलाइज कर लेती है, उसे ब्रेक कर देती है जीडीपी प्लस पीआई। इसका मतलब यह है, हमारा क्वेश्चन ए भी हो सकता है, आपसे हो सकता है, आपसे और भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि जब एक जी प्रोटीन के साथ जीटीपी बाइंड होगा तो जीटीपी को हाइड्रोलाइज कौन करेगा, जीडीपी में कौन कन्वर्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस अल्फा सब यूनिट की अपनी इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी है जिसके द्वारा ये अपने बाउंड जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर लेता है जीडीपी में। मैं उसी पॉइंट को लिख रहा हूं, जी अल्फा हैज इट्स ऑन जीटीपीएज एक्टिविटी, by which it hydrolyze bound GTP to ZDP। जब मैं इसको आपको विजुअल सिग्नलिंग में लास्ट में या फिर और जो इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग है वहां पर जब सिग्नल टर्मिनेशन के बारे में आपको बताएंगे तो सिग्नल टर्मिनेशन में इस इवेंट को भी हम लोग रखेंगे, किस तरीके से जब सिग्नल कन्वे होते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो वो सिग्नल टर्मिनेट कैसे होता है। एक बार सिग्नल आ गया तो सिग्नल को टर्मिनेट भी करना है, तो टर्मिनेशन कैसे होता है, तो उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो उसके साथ जीटीपी बाइंड होता है, यही जी प्रोटीन अपने बाउंड जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देती है जीडीपी में, और हाइड्रोलाइज करने से ये इनएक्टिव हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोलाइज करने के लिए कि कोई दूसरा एंजाइम यूज नहीं करती, इसकी अपनी खुद की इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से फंक्शन होता है।
किस तरीके से जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, चलिए अब यहां पर सभी लोगों को ध्यान देना है जी प्रोटीन के बारे में कि जी प्रोटीन कैसे फंक्शन करती है। तो सभी लोगों को पहले यहां ध्यान देना है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर, और ये हार्मोन है जिसे लिगांड मॉलिक्यूल हम लोग कह सकते हैं। जैसे लिगांड मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट, जैसे लिगांड मॉलिक्यूल बाइंड हुआ रिसेप्टर से 7TM से, वैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होते ही ये फंक्शन करेगा ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह, ये GEF की तरह फंक्शन करेगा। और जैसे ही फंक्शन करेगा तो ये GTP को बाइंड करा देगा ट्राइमेरिक जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट पर, अर्थात वहां पर बाउंड GDP को रिप्लेस करा देगा GTP से। ठीक है, हम लोग इसको यहां समझ सकते हैं। यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, ये जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा इस GDP को रिप्लेस कर दिया जाएगा GTP से, अर्थात यहां पर कौन बाइंड हो जाएगा, GTP। और जैसे ही GTP बाइंड होगा, GTP बाइंड होते ही अल्फा बीटा और गामा जो तीन सब यूनिट्स हैं उनमें से अल्फा सब यूनिट का एसोसिएशन बीटा गामा से लूज पड़ जाएगा, अर्थात अल्फा सब यूनिट GTP बाउंड स्टेट में डिसोसिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मैं इस पॉइंट को दोबारा बोल रहा हूं, ये हेट्रोमेरिक हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, GDP बाउंड स्टेट में अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स एक साथ हैं, लेकिन जैसे ही अल्फा सब यूनिट पर GTP बाइंड होगा अल्फा सब यूनिट का एसोसिएशन लूज पड़ जाएगा बीटा गामा से और अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा। तो GTP बाउंड स्टेट में अल्फा सब यूनिट क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा जी प्रोटीन से। ठीक है, अब आप इसको समझने की कोशिश करें, लिगांड बाइंडिंग, रिसेप्टर एक्टिवेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ GDP फ्रॉम GTP ऑन जी प्रोटीन, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। मैं इसको दोबारा बोल देता हूं, लिगांड बाइंडिंग हुई, रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज आया और ये जी प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ, ये सारे पॉइंट मैं बता चुका हूं पहले, और बाइंड होने के बाद ये रिसेप्टर एक्टिव है और ये ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह फंक्शन करेगा और ये अल्फा सब यूनिट पर जो GDP है उसको रिप्लेस करा देगा GTP से, और जैसे ही GTP अल्फा से बाइंड करेगा अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएगी। तो जरा देखिए, अभी अल्फा सब यूनिट का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से देख रहे थे, ये जुड़ा हुआ था, ये जी अल्फा GTP, लेकिन जैसे ही GTP बाइंड हुआ ये डिसोसिएट हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में एक लिपिड एंकर के द्वारा जुड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं पर चला जाएगा पलायन वेग के द्वारा, ये ऊपर चला जाएगा या कहीं नीचे चला जाएगा, रहेगा तो मेम्ब्रेन में ही, और ये विद इन मेम्ब्रेन जो पास में, मैंने इसको काफी दूर बनाया है, मेम्ब्रेन के लेवल पर ये पास में ही होता है। तो GTP बाउंड स्टेट में जी अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट फ्रॉम बीटा गामा और लेटरली मूव करके बाइंड कर जाएगा किसके साथ, इफेक्टर प्रोटीन के साथ, और जैसे ही इफेक्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा ये इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। तो जरा देखिए, एक्टिवेटेड जी प्रोटीन डिसोसिएट्स इन बीटा गामा एंड जी अल्फा GTP, जी अल्फा GTP मूव्स अलोंग विथ मेम्ब्रेन एंड बाइंड्स टू इफेक्टर प्रोटीन, दैट रिजल्ट एक्टिवेशन ऑफ इफेक्टर प्रोटीन। इस तरीके से जरा आप समझिए, सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर बाइंड हुआ और सेल के अंदर एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का हिस्सा है। तो लिगांड बाइंडिंग लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर एक्टिवेशन एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन एक्टिवेशन एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ इफेक्टर प्रोटीन, और इस तरह से इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है GPCR सिग्नलिंग मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है। तो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन डिसोसिएट हुई,
गामा बीटा ये एक साथ ही रहेंगे, यही रहेंगे, लेकिन अल्फा जीटीबी बाउंड में डिसोसिएट हुआ और जाकर के बाइंड हुआ इफेक्टर प्रोटीन के साथ, और इफेक्टर प्रोटीन को उसने क्या किया, एक्टिवेट किया। आगे आपको बताएंगे कुछ प्रोटीन्स, जी प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो इफेक्टर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा एक्टिवेट ही करते हूं, जी प्रोटीन उसे जाकर के क्या कर सकती है, इनएक्टिवेट, अर्थात पहले से काम कर रहा हो तो अब आकर के बंद करा देंगे, बंद कर दीजिए। तो ये काम करने का तरीका आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। जीटीपी, अब जरा देखिए, जीटीपी बाइंडिंग कॉज ए कंफर्मेशनल चेंज इन द जी प्रोटीन, दिस चेंज वीकेंस द बाइंडिंग ऑफ जी अल्फा टू बोथ द रिसेप्टर, ठीक है, एंड द जी बीटा गामा। जैसे ही जीटीपी बाइंड होता है तो अल्फा का एसोसिएशन रिसेप्टर और जो बीटा गामा से है वो वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, लीडिंग टू जी अल्फा जीटीपी डिसोसिएशन फ्रॉम दी बीटा गामा कॉम्प्लेक्स। जी अल्फा का डिसोसिएशन हो जाएगा बीटा गामा कॉम्प्लेक्स से। दी बीटा एंड गामा सब यूनिट्स आर परमानेंटली बाइंड टूगेदर, ये आपस में बाइंड रहती हैं। एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर जी अल्फा डिसोसिएट हुआ है, नहीं तो आप तीनों को अलग अलग कर दें, बीटा गामा का एसोसिएशन बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए डिसोसिएशन के बाद क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन जी अल्फा जीटीपी इंटरैक्ट विथ एंड एक्टिवेट इफेक्टर प्रोटीन, इंटरैक्ट करता है और एक्टिवेट करता है इफेक्टर प्रोटीन। आगे मैं आपको जी प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इफेक्टर प्रोटीन को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं। द एक्टिव जी अल्फा जीटीपी स्टेट इज शॉर्ट लिव्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जी प्रोटीन, जी अल्फा प्रोटीन के पास अपनी इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी है और ये अपने बाउंड जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही जी अल्फा के साथ जीटीपी बाइंड हुआ, ये डिसोसिएट होकर के इफेक्टर एंजाइम के साथ, इफेक्टर प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया। अब यानी कि बहुत देर तक ये बाइंड रहेगा, जी प्रोटीन जी अल्फा के पास अपनी जीटीपीएज एक्टिविटी है और ये जीटीपी बाउंड स्टेट में बहुत थोड़ी देर ही रहेगा, क्योंकि अपनी जीटीपीएज, आप लोगों तक आवाज पहुंच रही होगी, राहुल का कहना था कि सर ने शायद फिंगर रख लिया है कैम पर, तो ऐसा नहीं है राहुल, वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आप सभी लोगों तक मेरी आवाज आ रही है, आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यस और नो में बताइए, ठीक है। राहुल, सुमति, अरुण, वेद, वर्षा, ठीक है, चलिए। सिग्नल चले गए थे और हम लोग सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जी अल्फा जीटीपी स्टेट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, बहुत देर के लिए नहीं है, ठीक है। इसके इसका फायदा भी है, आगे आपको बताएंगे, टर्मिनेशन में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसी पॉइंट को मैंने पहले ही बताया, द एक्टिव जी अल्फा जीटीपी स्टेट इज ए शॉर्ट लिव्ड, ये कम समय के लिए है, बिकॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ द बाउंड जीटीपी टू जीडीपी कैटेलाइज्ड बाय इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ द जी अल्फा सब यूनिट occurs in minutes। आप समझ सकते हैं, जो अल्फा जीटीपी बाउंड स्टेट है वो शॉर्ट लिव्ड है, बहुत देर के लिए नहीं है। जी प्रोटीन की अपनी जी इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी है, अर्थात इस जी अल्फा की अपनी जीटीपीएज एक्टिविटी है, जिसके द्वारा ये बाउंड जीटीपी को ब्रेक कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा जीडीपी में, ठीक है। और आगे इन मिनट्स, मतलब इस सेल के लेवल पर देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा समय है। कई बार जीटीपीएज एक्टिविटी को
इन्फ्लुएंस करने वाली इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी को प्रमोट करने वाली प्रोटीन्स बाइंड कर जाती होती और पहले उसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर जीटीपी हाइड्रोलिसिस, जब जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं ये फिर रिटर्न हो जाएगा और आकर के अपने बीटा गामा के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो वंस जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड, जीडीपी जी अल्फा जीडीपी री एसोसिएट टू बीटा गामा, ये री एसोसिएट कर जाएगा अर्थात ये वापस लौट आएगा उसी पॉइंट को। आफ्टर जीटीपी हाइड्रोलिसिस जी अल्फा जीडीपी क्विकली री एसोसिएट विथ बीटा गामा टू फॉर्म अल्फा बीटा गामा ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स। इस तरह से इन्होंने ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स बना लिया है। आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है। तो अभी तक मैंने आपको 7TM पढ़ा दिया है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स क्या है, देन इसके बाद मैंने आपको यह बता दिया है कि जी प्रोटीन्स क्या हैं, उनके बारे में जी प्रोटीन्स ट्राइमेरिक हैं और कौन कौन सी सब यूनिट्स हैं, कौन सी सब यूनिट्स मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, वो कैसे एक्टिवेट होती हैं, जब जीटीपी बाइंड होगा तो किसका डिसोसिएशन होगा और किसके साथ वो लिंक होंगी, इन पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। थोड़ा जी प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरली जी प्रोटीन्स जो 7TM के साथ या ये कहें जीपीसीआर सिग्नलिंग में जो जी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उनकी तीन मेन फैमिलीज हैं, और भी फैमिलीज हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है तीन मेजर ग्रुप्स से वो आती हैं। और उन मेजर ग्रुप्स में वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनका क्या रिलेशन है। तो तीन मेजर ग्रुप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पर हम इनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हैं एक को हम लोग जी एस कहते हैं, एक को जी आई कहते हैं एंड थर्ड इज जी क्यू कहते हैं। आपको ध्यान रखना है जी एस, जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी एंड जी क्यू। ठीक है, जो जी स्टिमुलेटरी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं, जब ये जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं इनकी अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होगी जीटीपी बाइंड होने से और वो डिसोसिएट होकर के जाएगी, तो इनका जो इफेक्टर प्रोटीन होगा वो एंजाइम होगा जिसका नाम होगा एडेनाइलेट साइक्लेज, हम लोग इसको सामान्यता एसी भी कह देते हैं, अर्थात जीएस प्रोटीन। जिन रिसेप्टर्स के साथ जीएस ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जुड़ी होगी उस जीएस प्रोटीन का इफेक्टर एंजाइम या इफेक्टर प्रोटीन कौन होगा, एडेनाइलेट साइक्लेज, जो इफेक्टर एंजाइम है वो एडेनाइलेट साइक्लेज होगा। जी इनहिबिटरी प्रोटीन, नाम ही इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी प्रोटीन ट्राइमेरिक इनहिबिटरी प्रोटीन जब एक्टिवेट होंगी तो इनका टारगेट है एडेनाइलेट साइक्लेज और ये उसके साथ बाइंड करेंगी, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगी। तो आपको ध्यान रखना है जी स्टिमुलेटरी एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करती हैं जबकि जी इनहिबिटरी एडेनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करती हैं। जी क्यू प्रोटीन, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में एक क्लास जी क्यू की है और ये प्रोटीन जब एक्टिवेट होती हैं तो इनका टारगेट एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज सी, आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, फॉस्फोलाइपेज सी इनका टारगेट एंजाइम है। आप सभी लोग यहां पर समझ लें, मैं इसको बेसिकली यहां पर इस तरह से समझाना चाहूंगा आपको कि ये हमारा रिसेप्टर है और रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड है जी प्रोटीन और इफेक्टर एंजाइम, ये इफेक्टर प्रोटीन है, इफेक्टर प्रोटीन। यदि रिसेप्टर के साथ जी एस प्रोटीन जुड़ी है, रिसेप्टर के साथ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जी एस है तो इसका इफेक्टर एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेज होगा और जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। यदि जी प्रोटीन में ये जी आई है इनहिबिटरी है तो ये एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी और यदि
इसके साथ एसोसिएटेड है जी क्यू, तो इसका इफेक्टर एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेज ना हो करके फॉस्फोलाइपेज सी होगा। अर्थात तो अलग अलग जीपीसीआर के साथ अलग अलग जी प्रोटीन्स जुड़ी हो सकती हैं। इससे एक फायदा है, हमारी बॉडी में एक ही हार्मोन का इफेक्ट अलग अलग टिश्यूज पर अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग इपिनेफ्रीन की बात करें, तो इपिनेफ्रीन हमारी इंटेस्टाइनल सिस्टम पर एक्ट करता है इमरजेंसी कंडीशंस में, स्ट्रेस कंडीशंस में, और उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। जबकि दूसरी तरफ वो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो एक ही हार्मोन हमारे अलग अलग टिश्यूज पर उसके इफेक्ट अलग अलग हैं। हमारी यदि आंखों पर देखें तो हमारी आंखों को डायलेट करता है, हमारी आंखों को डायलेट करता है जिससे ज्यादा लाइट हमारी आंखों में आ सके और वो इंडिविजुअल ज्यादा देख सके। जबकि दूसरी तरफ हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि वो अलग अलग जी प्रोटीन्स रिसेप्टर्स यूज करते हैं, अर्थात जो इपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स हैं अलग अलग टिश्यूज में, वो अलग अलग जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। कोई जीएस के साथ एसोसिएटेड है और कोई जी आई के साथ या कोई जी क्यू के साथ एसोसिएटेड है। इस वजह से अलग अलग टिश्यूज में एक ही हार्मोन का इफेक्ट अलग अलग है, इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है। तो ये जी प्रोटीन्स हैं। तो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स को बेसिकली तीन ग्रुप में रखा हुआ है, जी एस, जी आई और जी क्यू। जी क्यू जिन रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड होंगी वो एक्टिवेट करेंगी इफेक्टर प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी को। जिन रिसेप्टर्स के साथ जी आई प्रोटीन एसोसिएटेड होगा वो एडेनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, और जिन प्रोटीन्स के साथ जिन रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड होगा जी एस, वो एक्टिवेट करेगा एडेनाइलेट साइक्लेज को। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया जी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स का। देन इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट लेकर के हम लोग आते हैं, इफेक्टर प्रोटीन्स। जब हम लोग तीन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम में तीन बेसिक कंपोनेंट हैं, एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिसेप्टर है 7TM, सेकेंड के बारे में हम लोगों ने कहा जी प्रोटीन, जो तीसरा इसका कंपोनेंट है वो है इफेक्टर प्रोटीन। तीसरा कंपोनेंट इफेक्टर प्रोटीन है। अब क्वेश्चन ये आता है इफेक्टर प्रोटीन कौन है? ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो या तो एंजाइम हो सकते हैं या फिर चैनल हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं या फिर चैनल हो सकते हैं। तो रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड हुआ, रिसेप्टर भी मेम्ब्रेन में है, सिग्नल सेल के अंदर तक जाना है, लेकिन जितने भी तीन कंपोनेंट्स हम लोग देख रहे हैं जिनकी बात कर रहे हैं वो तीनों कहां पर है? मेम्ब्रेन में है। ये तो अंदर जाने वाले है नहीं, रिसेप्टर का काम था सेल के बाहर सिग्नल को डिटेक्ट करना, और उसने सिग्नल को डिटेक्ट किया और सेल के साइटोसोलिक फेस पर उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन भी सेल के अंदर नहीं गया बल्कि उसने इफेक्टर एंजाइम को, इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट किया जो खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। अर्थात अभी तक कोई कंपोनेंट सेल के अंदर नहीं गया, सिग्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही आगे कन्वे हो रहा है। इफेक्टर प्रोटीन्स क्या हैं? इफेक्टर प्रोटीन्स वो हैं जो सिग्नल के रिस्पांस में ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगी जिनको हम सेकेंडरी मैसेंजर्स कह सकते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस करेंगी जो सिग्नल्स को लेकर के आगे जाएंगे। या फिर इफेक्टर प्रोटीन चैनल हो सकता है और उस चैनल के द्वारा आयंस का जो फ्लक्स है क्रॉस द मेम्ब्रेन वो बढ़े या घटे, जिसके द्वारा हमारी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में चेंज आए और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जिससे हम सिग्नल को आगे ले जाएं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। तो सिग्नल को कन्वे करने के लिए इफेक्टर प्रोटीन्स का रोल क्या है उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जानते हैं कि इफेक्टर प्रोटीन्स क्या है। तो ऑल इफेक्टर प्रोटीन्स इन द जीपीसीआर सिग्नलिंग, आपको ध्यान रखना है जीपीसीआर सिग्नलिंग में जो इफेक्टर प्रोटीन्स हैं वो क्या है? ट्रांसडक्शन पाथवे आर आइदर मेम्ब्रेन बाउंड आयन चैनल्स, या तो वो मेम्ब्रेन बाउंड आयन चैनल्स हो सकते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द सेकेंड मैसेंजर्स। तो इफेक्टर एंजाइम्स वो हैं जो
एक्टिवेट होने के बाद सेकेंड मैसेंजर्स का, सेकेंडरी मैसेंजर्स का या तो प्रोडक्शन करें या फिर डिस्ट्रक्शन करें। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर चैनल है तो चैनल सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आपको ध्यान रखना है। यदि यह चैनल कैल्शियम का हुआ तो कैल्शियम भी एक पावरफुल सेकेंडरी मैसेंजर है, और जो इफेक्टर एंजाइम है वो सेलुलर कंपाउंड्स को यूज करके कुछ और सेकेंडरी मैसेंजर्स बना सकते हैं। तो इफेक्टर जीपीसीआर सिग्नलिंग में आपको यह ध्यान रखना है, जो इफेक्टर एंजाइम है, इफेक्टर प्रोटीन है, उसका काम है सेकेंडरी मैसेंजर्स को प्रोड्यूस करना या फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स को डिस्ट्रॉय करना। अर्थात इफेक्टर प्रोटीन का रिलेशन सेकेंडरी मैसेंजर से है। तो तीन कंपोनेंट है जीपीसीआर सिग्नलिंग में, एक है रिसेप्टर जिसे 7TM आपको ध्यान रखना है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन और इफेक्टर प्रोटीन, तीनों मेम्ब्रेन में है आपको यह ध्यान रखना है। इफेक्टर प्रोटीन का फंक्शन है सेकेंडरी मैसेंजर्स को प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय करना। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या हुआ जीपीसीआर सिग्नलिंग में, सबसे पहले हार्मोन का रिसेप्टर के साथ बाइंड होना, जैसे ही हार्मोन बाइंड होगा रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर फंक्शन करता है ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह, और वो रिसेप्टर एसोसिएटेड जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट पर जीडीपी को रिप्लेस कर देता है जीटीपी से। जीटीपी बाउंड स्टेट में ट्राइमेरिक जी प्रोटीन डिसोसिएट हो जाती है बीटा गामा कॉम्प्लेक्स में, और अल्फा सब यूनिट में जीटीपी बाउंड स्टेट में जी अल्फा जीटीपी सब यूनिट बाइंड करती है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट इफेक्टर प्रोटीन के साथ और उसे एक्टिवेट करती है। एक्टिवेटेड स्टेट में इफेक्टर प्रोटीन या तो सेकेंडरी मैसेंजर्स को प्रोड्यूस करेगी या डिस्ट्रॉय करेगी, वो अलग अलग सिग्नलिंग में डिसाइड होगा उसका इफेक्टर एंजाइम कौन है, इफेक्टर उसकी प्रोटीन कौन है, वो क्या करता है। तो उससे सेकेंडरी मैसेंजर्स के लेवल पर हमारी सेल में चेंज आना शुरू होगा, और वो सेकेंडरी मैसेंजर्स आगे की प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे या इनएक्टिवेट करेंगे, इस तरह से हमारी सेल्स के लेवल पर चेंज आना शुरू होगा। उसको एक उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इफेक्टर प्रोटीन से सिग्नल्स आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही हार्मोन की बाइंडिंग होगी और हार्मोन बाइंड होने के बाद तीनों प्रोटीन्स वन आफ्टर वन एक्टिवेट होंगी, फाइनली जो हमारा सिग्नल है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स तक आएगा। अब क्वेश्चन ही उठता है सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या हैं और वो क्या काम करते हैं। तो सेल के बाहर जो हार्मोन बाइंड है उसे प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, क्योंकि वो सिग्नलिंग सेल से सिग्नल कैरी करके ला रहा है। तो हार्मोन जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ उसे हम लोगों ने नाम दिया प्राइमरी मैसेंजर। जीपीसीआर सिस्टम में इफेक्टर प्रोटीन के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये मैसेज लेकर के सेल के इंटरनल जो कंपार्टमेंट है वहां तक जाएंगे, अर्थात सेल के अंदर ये सिग्नल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट है जीपीसीआर सिस्टम के वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स आर दी स्मॉल इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स दैट स्प्रेड द सिग्नल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। आपको ध्यान रखना है सेल के दूसरे पार्ट्स तक सिग्नल को भेजना, कैरी करना। दे पास द सिग्नल ऑन बाय बाइंडिंग टू एंड अल्टरिंग द कंफर्मेशन एंड बिहेवियर ऑफ द सेलेक्टेड सिग्नलिंग प्रोटीन्स और इफेक्टर प्रोटीन्स। कैसे काम करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स, कैसे सिग्नल को आगे कन्वे करते हैं, ये सेलेक्टिवली प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं। बाइंड होने से उन प्रोटीन्स की एक्टिविटी में चेंज आता है, या तो वो एक्टिवेट होंगी या फिर इनएक्टिव होंगी। इस तरीके से उन प्रोटीन्स के एक्टिवेट या इनएक्टिवेट होने से उन प्रोटीन डिपेंडेंट फंक्शंस में चेंज आएगा, जिससे हमारी सेल की फिजियोलॉजी में चेंज आएगा। आपको यह ध्यान रखना है। सम सेकेंडरी मैसेंजर्स आर वाटर सॉल्युबल अर्थात हाइड्रोफिलिक होते हैं एंड डिफ्यूज इन द साइटोसोल व्हाइल अदर आर हाइड्रोफोबिक। और दूसरे कैसे हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं। यहां पर हम लोग संभावित रिजल्ट क्या हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जितना भी जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे रिस्पॉन्स, बहुत सारे हार्मोन्स के रिस्पॉन्स जीपीसी, अभी तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया,
और चलिए मैं दोबारा इसको बोल देता हूं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर स्मॉल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो सेल के अंदर सिग्नल को कन्वे करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। और ये सिग्नल को कैसे कन्वे करते हैं उसको भी ध्यान रखना है। सेकेंडरी मैसेंजर्स किसी टारगेट प्रोटीन या एक से ज्यादा प्रोटीन हो सकते हैं, सिलेक्टेड प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, वो प्रोटीन्स एंजाइम भी हो सकते हैं, मोटर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, तो उन सिलेक्टेड एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं और उनकी एक्टिविटी को अल्टर करते हैं, उनकी एक्टिविटी में चेंज लाते हैं, जिससे उन एंजाइम्स की एक्टिविटी चेंज होगी तो फंक्शंस जो कर रहे हैं या जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं या जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का वो हिस्सा है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी चेंज आएगा और इस तरह से सेल की फिजियोलॉजी में चेंज होगा। इनको आगे मैं उदाहरण देकर के समझाऊंगा कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर कैसे काम करता है और उनकी टारगेट प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर्स वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, आईपी3, ये वाटर सॉल्युबल सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं और डाइएसाइलग्लिसरॉल एक हाइड्रोफोबिक सेकेंडरी मैसेंजर है जो मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होगा और मेम्ब्रेन में ही रहेगा। इन सभी सेकेंडरी मैसेंजर्स की सिग्नलिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सेकेंडरी मैसेंजर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इनकी टारगेट प्रोटीन्स कौन सी हैं। तो यहां पर आगे मैं आपको कैल्शियम भी सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह एक्ट करता है, ये कैसे काम करता है, हमारी सेल में इसका लेवल कैसे इंक्रीज करता है, इसकी टारगेट प्रोटीन्स क्या है और कैसे ये हमारे सेल्स के लेवल पर एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, इन पॉइंट्स को भी हम लोग जानेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने तीन कंपोनेंट पढ़ लिए हैं, किसी भी जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम में तीन इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, एक तो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर हो गया जो एक पॉलीपेप्टाइड का बना होगा और 7 times मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, उसका एन टर्मिनल सेगमेंट सेल के बाहर होगा और जो सी टर्मिनल एंड है वो साइटोप्लाज्म में होगा, आपको ध्यान रखना है। जी प्रोटीन्स ट्राइमेरिक होगी और उसमें तीन सब यूनिट हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सब यूनिट पर ग्वानोइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग होगी, जीडीपी बाउंड स्टेट में तीनों सब यूनिट एक साथ होती हैं, ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इफेक्टर प्रोटीन मेम्ब्रेन में होगी जो एंजाइम हो सकती है या फिर वो चैनल हो सकती है। जैसे ही रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है साइटोसोलिक फेज पर, इंटरेक्शन के बाद वो जी प्रोटीन पर जीडीपी को रिप्लेस कर देता है जीटीपी से, जिससे जी प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के साथ ही वो डिसोसिएट होती है बीटा, गामा और अल्फा में। जी अल्फा जीटीपी मूव करता है अलोंग विथ मेम्ब्रेन और बाइंड करता है इफेक्टर प्रोटीन के साथ, उसे एक्टिवेट करता है, इफेक्टर प्रोटीन सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस करते हैं या कई केसेस में देखा गया डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स अपने टारगेट प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं और इस तरह से सेल की फिजियोलॉजी में चेंज होते हैं। सभी तरह के जीपीसीआर सिग्नलिंग मॉड्यूल्स इसी तरह से काम करते हैं, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। कल मैं जीपीसीआर सिग्नलिंग बेस्ड आपको इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग के बारे में बताऊंगा, तो कल हम लोग अगली क्लास में, कल संडे है, अगली क्लास में मैं आपको इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग के बारे में बताऊंगा। और ये एक उदाहरण है जीपीसीआर सिग्नलिंग सिस्टम का, एक क्लासिकल उदाहरण है, और भी जीपीसीआर में मैं आपको पाथवे पढ़ाऊंगा, जीक्यू सिग्नलिंग के बारे में बताऊंगा, ऐसे रिसेप्टर जिनके साथ जीक्यू प्रोटीन जुड़ी है वो कैसे अपने सिग्नल्स को आगे कन्वे करते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और देन लास्ट में जीपीसीआर सिस्टम में मैं विजुअल सिग्नलिंग भी पढ़ाऊंगा, तो विजुअल सिग्नलिंग क्या है, कैसे कन्वे होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो जीपीसीआर सिग्नलिंग में आगे मैं आपको तीन उदाहरण पढ़ाने वाला हूं जिनसे आप इनके काम करने के बारे में और बेहतर समझ पाएंगे। चलिए अगली क्लास जो है वो मंडे को होगी इसी टाइम।